नर्मदेहर ये माँ नर्मदा का चौरास घाट है रायसेन जिले में ये चौरास घाट है यहाँ माँ नर्मदा बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत धीर गंभीर होकर बहती है बहुत शांति के साथ ये जगह बहुत दिव्य है एक तो माँ नर्मदा के कारण और दूसरा एक आश्रम के कारण बिल्कुल प्राकृतिक आश्रम के कारण ऐसा आश्रम जिसकी कल्पना हम आश्रम के रूप में कर सकते हैं वो इस तरह से बना हुआ है बाबा जी ने बनाया है और यहां पर परकम्मा वासियों की सेवा करते हैं इस आश्रम को देखकर बिल्कुल किसी ऐसे पुराने आश्रम का स्मरण आता है उसकी स्मृति आती है जो हमने कथाओं में सुना है कुछ फिल्मों में सेट्स के बतौर देखा है आइए आपको दिखाते हैं यह आश्रम पूरी तरह घास फूस से बनाया गया है बांस की लकड़ियां हैं जिससे उन्हें आधार दिया गया है और घास फूस और बांस से मिलकर ये तैयार हुई है कुटी आश्रम इसमें परकम्मा वासी ठहरते हैं विश्राम करते हैं रात बिताते हैं देखिए यह इसका द्वार है मिट्टी से किस तरह से इतना करीने से बनाया गया है आपको यहां से अगर गुजरना है तो थोड़ा सिर झुकाकर गुजरना पड़ेगा क्योंकि आश्रम जैसी जो जगहें हैं वहां आप सिर उठाकर नहीं चल सकते वहां आपको सिर झुकाकर ही प्रवेश करना होता है पूरी विनम्रता के साथ पूरी श्रद्धा के साथ पूरी आस्था के साथ चूंकि माँ के तट पर है यह आश्रम इसलिए बारिश के दिनों में यहां पर पानी भर जाता है मां नर्मदा केवल यहां नहीं वहां ऊपर के घाट तक जहां वो छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहां तक पहुंच जाती हैं। तो ये सारा जलमग्न हो जाता है इन दिनों जबकि माँ मां अपने आप को समेटे हुए हैं वो अपने तट पर सीमित हैं, तो इस आश्रम की शोभा निराली है घास फूस कितने सुंदर हो सकते हैं अगर उनमें किसी एक संत का हाथ लग जाए उसकी जरा सी एक कलाकृति बन जाए तो वो कितने मनमोहक हो सकते हैं ये आश्रम उसका उदाहरण है ये आश्रम प्रकृति के बीच नवाचार का एक श्रेष्ठ उदाहरण है इस कुटी के अलावा बगल में एक और कुटी है जहाँ महाराज जी स्वयं निवास करते हैं और यहाँ पर माँ नर्मदा की अपनी छवि है भंडार गृह है माँ अन्नपूर्णा का स्थान जहाँ पर भोजन पकता है बनता है तैयार होता है और प्रसाद के रूप में सभी को मिलता है ये निहार सकते हैं इस भंडार गृह को देख सकते हैं यू तो सेवा के कई स्थल मां के तट पर हैं लेकिन ऐसी कल्पना के साथ ऐसे नवाचार के साथ आश्रम की इस परिभाषा के साथ केवल यहीं पर है यहां आप ठहर सकते हैं रात बिता सकते हैं और मन हो तो ध्यान लगाकर बैठ सकते हैं अपने इष्ट का स्मरण कर सकते हैं मां नर्मदा की प्रार्थना कर सकते हैं पूजा कर सकते हैं पाठ कर सकते हैं अब भीतर से देखिए किस तरह से बांस के सहारे बांस के स्तंभों के सहारे इस पूरी कुटी की रचना की गई है और कितनी जगह है यहाँ अगर यहाँ साठ फुट लंबी और चौड़ाई कितनी होगी महाराज जी बीस फुट, फुट।, फुट। साठ फीट लंबाई और बीस फीट चौड़ाई है इस कुटिया की अंदर से भी बहुत मनोरम है इतना इको फ्रेंडली है कि यहाँ रहते हुए आपको बिल्कुल प्रकृति के साथ जीने का आनंद आता है दिन में अपने आप रोशनी आती है हवा आती है और देखिए ना एक छोटी सी खिड़की है इस खिड़की से चिड़िया आ रही है चिड़िया बैठी है चींची कर रही है और इसी तरह आश्रम में केवल मनुष्य नहीं आते जीव जंतु भी आते हैं पशु पक्षी भी आते हैं और सबके लिए स्थान है सबके लिए आहार है सबके लिए जगह है ऐसे आश्रम से मिलकर ऐसे आश्रम में आकर ऐसे आश्रम में जीकर सचमुच अपने देश की आश्रम परंपरा से मुलाकात होती है उसे परिचय होता है आइए बाबा जी से जानते हैं इस आश्रम की परिकल्पना के पीछे उनका क्या उद्देश्य है उन्होंने किस तरह से कितने श्रम के साथ इसे तैयार किया है बाबा जी आप सबसे पहला अपना शुभ नाम बता दें हम सारे लोग जानेंगे श्री श्याम गिरी जी जी आप यहाँ कब से विराजे हुए हैं तीन साल हो गए कुटिया को जी जी वैसे पहले गांव में सेवा होती थी जी तीन साल से यही किया है चौरास गांव में तीन साल गाम जी गाम में। पहले होता तो है से सेवा हो रही है गाँव में तो अच्छा तीन साल से एक कुटिया बनाई है जी जी यहाँ पर अच्छा तो इतनी सुंदर कुटिया बनाई है आपने घास फूस बांस से बनाकर आपने इसे इस तरह से सजा दिया है कि ये मन मोह लेता है तो मजा की लीला है जी तो कैसे ये ख्याल आया कैसे ये विचार आया कि आप इस तरह की कुटिया ये बने? तो वही उसी की लीला है क्या करवाती है वो समय जी कोई भरोसा नहीं है जी जी उसकी लीला हुई प्रेरणा हुई तो ये बन गई अच्छा और संत की सेवा हो रही है जी यही उद्देश्य और कोई उद्देश्य नहीं है जी तो बारिश के दिनों में तो मैया यहाँ आ जाती हैं। है यहाँ से फोल्डिंग है ये सारी अच्छा खोल के ऊपर रख देते हैं अच्छा हाँ तो जैसे ही बारिश शुरू होने वाली होती है के दशहरा पर खोल देंगे अच्छा और दिवाली के बाद दिवाली पेगा उठती है ना ये देव उठी देव गादसी उठी गादसी। जी उस पर उठ के फिर दोबारा यहाँ लग जाती है अच्छा तो ये पूरे जब तक आठ महीने रहती है आठ महीने रहती है और आठ महीने का ये दिव्य आश्रम तैयार होता है बहुत अच्छा है बगल में माँ नर्मदा है सबसे बड़ी बात ये कि मजा किनारे पर है बिल्कुल जी माँ के किनारे है चारों तरफ खेती है और सूर्योदय होता है तो सूर्य की पहली किरण यहाँ आती है तो यहाँ लगभग कितने लोग आते हैं दिन भर में कम से कम एक टाइम है सौ लोग हो जाते हैं सीजन में अच्छा अभी तो कम हो रहे हैं तो दो चार आ रहे हैं जी जी तीन महीने तो इतनी भीड़ रहती है हाँ, कि धर्मशाला पूरी फुल रहती है अच्छा हाँ सौ सौ हो जाते हैं एक बार में दोपहर में सौ दो शाम को भी सौ रुकने की जी एक दो चार दिन जितना चाहे कोई रुक सकता है कोई यहाँ प्रतिबंध नहीं है अच्छा अच्छा तो अपनी साधना कर सकता है आराम से महीना दो महीना को कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 अच्छा रात में यहाँ रोशनी के लिए क्या प्रबंध लाइट है बिजली है बिजली है। बिजली है है तो रोशनी की भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं है अच्छा चौबीस घंटे लाइट रहती है जी जी तो आप यहाँ जैसे रहते हैं आठ महीने पूरे माँ के साथ रहते हैं तो कोई परकम्मा वासियों का अपना अनुभव आपने देखा कुछ अलग तरह के परकम्मा वासियों को भी देखा यहाँ तो सब तरह के आते हैं जी एक से एक सिद्ध मूर्ति आती है जी जी अच्छा माँ के कुछ ऐसे दर्शन भी हुए चमत्कार भी आपको देखने को मिले होते हैं जी होते हैं किसी बुढ़िया रूप में हो जाए जाए बच्ची रूप में हो जाए, किसी रूप में में हो हो किसी जाते हैं उसका निश्चित नहीं है किस रूप में होगी हो अच्छा हाँ। चूंकि ये यह यहाँ नदी के किनारे है महा के किनारे है खेत चारों तरफ से है तो आमतौर पर कीड़े वीड़े का ऐसा डर तो नहीं, नहीं कुछ नहीं अच्छा कुछ नहीं देखो माई के भक्त को कोई कुछ नहीं कर सकता जी जी ये तो मन में डर रहेगा तो सब कुछ होगा और हाँ, हाँ, जब भरोसा माई पर है हाँ, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है जी, जी 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 पास में नहीं आ सकता है अच्छा हाँ, तो जो भी होंगे सब अपना विचरण करते रहेंगे मतलब जंगल है वो हाँ, कहाँ जाएंगे जी। वो तो उनके स्थान में हमने कब जाकर रखा है बिल्कुल सही मेन स्थान तो ये उन्हीं का है बिल्कुल सही है हाँ मेन स्थान तो जंगल ये उनकी कृपा है की उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी है जगह दी है जी बस कुछ नहीं होता मैया का भरोसा कौन मारने वाला है हाँ 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 कांटा भी नहीं लगता उसके पैर नंगे चलो उसके भरोसे आप जी कांटा जी, भी नहीं लग सकता बिल्कुल बिल्कुल और जब मन में अपने घर के बात आएगी तो कांटा भी लगेगा हाँ, और चोट भी लगेगी जी सीधी बात है बिल्कुल सही है आप नर्मदा पुराण का पाठ कर रहे हैं हाँ करते हैं थोड़ा थोड़ा जी जी चलिए बहुत अच्छा लगा आपकी ये कुटी देख के आपसे मिलके आपके संत स्वभाव से मिलके और आप इसी तरह से अपनी साधना में भी लगे रहें परकम्मा वासियों की सेवा में भी लगे रहे माँ की कृपा है जी जी हम सब धन्य हुए यहाँ आकर नर्मदेहर नर्मदेहर